अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है तमाम मौजूद नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आपको अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले। जैसा कि आप सब जानते हैं, दो माह कबल लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ इज्तमाई ज्यादती का बहुत ही शर्मनाक वाकया पेश आया था। लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ इज्तमाई ज्यादती करने वाले मरकजी मुलजिम आबिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और हुकूमत वक्त ने लाहौर मोटरवे सानेहा के मरकजी मुलजिम आबिद अली को सरेआम फांसी देने का फैसला किया था। इस फैसले के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और उस्मान बुज़दार ने मरकजी मुलजिम आबिद अली को सरेआम फांसी देने की तारीख मुकर्रर कर दी। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम मौजूद नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक आसानी से पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें, लाहौर मोटरवे सानेहा के मरकजी मुलजिम आबिद अली के मुतालिक वजीर आजम इमरान खान का बड़ा बयान मंजर आम पे आ गया। वजीर आजम इमरान खान का अपने बयान में लाहौर मोटरवे सानेहा के मरकजी मुलजिम आबिद अली के मुतालिक कहना है, मोटरवे पर खातून के साथ इज्तमाई ज्यादती करने वाले मुलजिम आबिद अली का जिस्मानी रिमांड होने के बाद आबिद अली को सरेआम फांसी दी जाएगी ताकि पाकिस्तान में कोई दूसरा आबिद अली पैदा ना हो। ये थी लाहौर मोटरवे इंसिडेंट की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो हमने आपके साथ शेयर की। आई होप आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।